हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डॉपलर इफेक्ट को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखें कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है, इट इज़ अ मोशन रिलेटेड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, ये जो इफेक्ट जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका पूरा नाम है जॉन क्रिश्चियन डॉपलर। ठीक है, अब ये हम इस इफेक्ट को समझने के लिए हमें ये कंडीशन देखें। ठीक है, यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। अभी आप मानिए कि वो स्टेशनरी है और यहाँ से कोई एक कार आ रही है, ठीक है, जो कि हॉर्न ब्लो कर रही है। ठीक है, तो इस पर्सन को इस कार के हॉर्न की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी बोलें या हम पिच बोलें, ये बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, किसको? इस ऑब्जर्वर को, जब कार इसके पास आ रही। ठीक है, और जब कार इससे दूर जाएगी और हॉर्न ब्लो करते हुए, तब उसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी या पिच बोले हम, वो घटती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, और आज हम वो फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे कि ये मोशन के हिसाब से साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में ये सब समझेंगे। ठीक है, उसको डिराइव करने के लिए हम तीन कंडीशन को अज्यूम करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन ये रहेगी कि सोर्स जो साउंड इमिट कर रहा है, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है, दोनों क्या है? रेस्ट पे। ठीक है, दूसरे कंडीशन हम देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है और सोर्स क्या है? रेस्ट पे। ठीक है, थर्ड कंडीशन हम देखेंगे कि जब सोर्स है वो मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर है वो क्या है? रेस्ट पे। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जब दोनों मोशन में होंगे तब साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं जहां पर कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही क्या होंगे? रेस्ट पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सोर्स बनाया है, ठीक है, जो कि साउंड सोर्स है, तो वो साउंड वेव्स इमिट कर रहा है। साउंड वेव्स जो निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, उसकी वेवलेंथ है लेमडा और उसकी वेलोसिटी है वी के बराबर। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर एक्स है, ये एक ऑब्जर्वर वाई है। ठीक है, दोनों ऑब्जर्वर क्या हैं? रेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स ऑब्जर्वर है उसको ये साउंड वी वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, जिसकी वेवलेंथ होगी लेमडा। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को ये साउंड वेव्स वी वेलोसिटी से आती हुई दिखेगी। देखिए, साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल होती है, पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये अभी ट्रांसवर्सली इस ऑब्जर्वर के पास आ रही है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को ये साउंड वेव्स जिसकी वेवलेंथ लेमडा है वो वी वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसे जो सुनेगा वो होगी वी बाय लेमडा। ठीक है, और यहां से ये ऑब्जर्वर भी सेम साउंड आता हुआ दिखेगा उसे लेमडा वेवलेंथ का और वेलोसिटी वी। ठीक है, तो इसे भी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी महसूस होगी वो होगी वी बाय लेमडा। ठीक है, यहां से आप इसकी वेवलेंथ निकालना चाहें तो वेवलेंथ हो जाएगी v बाय एफ। ठीक है, यहां पर से आप इसकी वेवलेंथ निकालना चाहें वो क्या हो जाएगी? v बाय एफ। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जबकि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों क्या होंगे? रेस्ट पे। ठीक है, और आप देखें ये सोर्स के राइट हैंड साइड पे है या उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे भी एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे रहा है, इसे भी एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि साउंड सोर्स जो है वो रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूविंग है। ठीक है, ये सेकेंड केस हमने कंसिडर करा जिसमें साउंड सोर्स जो है वो रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूविंग है। ठीक है, ये वो साउंड सोर्स है जो कि साउंड वेव्स इमिट कर रहा है लैम्डा वेवलेंथ की, जो कि वी वेलोसिटी से दोनों ऑब्जर्वर के पास में जा रही है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर एक्स है, ये इस डायरेक्शन में वीओ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ये ऑब्जर्वर वाई है जो कि इस डायरेक्शन में वीओ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें इस ऑब्जर्वर एक्स को ये साउंड वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है वो उसको जो वेलोसिटी होगी उसकी एपरेंट
वी प्लस वी जीरो वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे तो वो बराबर होगा एपरेंट वेलोसिटी अपॉन जो उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को लैम्डा वेलोसिटी की साउंड वेव सॉरी लैम्डा वेवलेंथ की साउंड वेव्स वी प्लस वी जीरो वी ओ वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अपरेंट जो उसको वेलोसिटी दिख रही है जो साउंड आने की, ठीक है, अपॉन जो साउंड की वेवलेंथ है। ठीक है, या अपरेंट जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी वी प्लस वी ओ के। ठीक है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू वी प्लस वी ओ अपॉन लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा हमें पता है, हमने रेस्ट वाले केस से निकाला था, तो ये हमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यहाँ पर रिलेशन मिलेगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू एफ इंटू वी प्लस वी ओ बाय वी। ठीक है, ये एक्स जो ऑब्जर्वर है उसके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें वाई जो ऑब्जर्वर है इसको जो साउंड की वेलोसिटी नजर आएगी वो होगी वी माइनस वी ओ। ठीक है, इसको लगेगा कि जो साउंड वेव्स आ रही है वो वी माइनस वी ओ वेलोसिटी से आ रही, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और साउंड वेव्स इस डायरेक्शन में आ रही। ठीक है, तो इफेक्टिव जो वेलोसिटी उसको लगेगी वो क्या होगी वी माइनस वी ओ। ठीक है, तो इसे जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड दिखेगा वो होगा वी अपरेंट अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो वी अपरेंट वुड बी इक्वल्स टू वी माइनस वी ओ अपॉन लैम्डा, और लैम्डा हम पुट करें यहां पर लैम्डा इक्वल्स टू वी बाय एफ, सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू एफ इंटू वी माइनस वी ओ बाय लैम्डा। ठीक है, इस केस में सोर्स है रेस्ट पे और ऑब्जर्वर मूविंग है, ऑब्जर्वर एक जो एक्स ऑब्जर्वर है वो साउंड के सोर्स के पास में जा रहा है, और जो ऑब्जर्वर वाई है वो साउंड सोर्स से दूर जाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब हम यहां पर देख सकते हैं, सॉरी ये यहां पर बी आएगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें इसे, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड से ये इस तरफ जाएगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से उसे साउंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी वो घटती हुई नजर आएगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा उतनी ज्यादा रेट से ये जो फ्रीक्वेंसी साउंड की वो उसको कम होती हुई सुनाई देगी। ठीक है, अब थर्ड हम जो इसमें कंडीशन लेंगे उसमें सोर्स भी मूविंग होगा और ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में सोर्स है वो मूविंग है और जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है। ठीक है, यहां हम देखें ये सोर्स है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में वी एस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसकी तरफ, एक्स की तरफ। ठीक है, और ये इस ऑब्जर्वर वाई है, ये दोनों क्या है, रेस्ट पे। यहां हमने सेम जो साउंड की फ्रिक्वेंसी एफ ली, वेवलेंथ जो थी साउंड की वो लैम्डा ले ली, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज वी, एंड ये वी एस जो है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। ठीक है, सोर्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने के लिए हम अगर उससे हम रेफरेंस ले, जब सोर्स क्या था, रेस्ट पे। ठीक है, सोर्स रेस्ट पे था तो ये उसकी वेवफॉर्म समझे हम, जो कि एक्स पे और वाई पे जा रही थी। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट समझ ले हम, ठीक है, अब जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ। ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी है एफ। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो वन बाय एफ के बराबर होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। ठीक है, वो किसके बराबर है, वन बाय एफ के। ठीक है, अब ये
कौन सा डायग्राम था जब साउंड सोर्स किस पे था, रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि साउंड इस डायरेक्शन में वीएस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये हम कंसिडर करें कि ये साउंड की वेलोसिटी जब दोनों साउंड और सोर्स क्या थे, रेस्ट पे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो साउंड सोर्स है वीएस वेलोसिटी से इस एक्स की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, तो इतने टाइम इंटरवल में ये कुछ वी एस बाय एफ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जितने टाइम में साउंड का एक ऑसिलेशन होगा उतने टाइम में ये जो साउंड सोर्स है वो वी एस वेलोसिटी से इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो इफेक्टिव वेवलेंथ होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, कितने फैक्टर से, इतने फैक्टर से, ठीक है। तो अगर हम इसकी एपरेंट वेवलेंथ की बात करें तो वो बराबर होगी लेमडा माइनस ये जो जितना ये आगे बढ़ गया, ठीक है, वी एस बाय एफ, ठीक है, वी एस बाय एफ। और लेमडा हमें पता है, लेमडा बराबर है वी बाय एफ के, वो हम यहां पर पुट करें तो एपरेंट वेवलेंथ वुड बी इक्वल्स टू लेमडा, सॉरी लेमडा की जगह हमें पुट करना वी बाय एफ, तो ये हो जाएगा वी माइनस वी एस बाय एफ, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एपरेंट वेवलेंथ का, ठीक है। और एपरेंट वेवलेंथ वुड बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू वी बाय एपरेंट वेवलेंथ, ठीक है, जो कि हमें फाइनली यहां पर मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी बाय वी माइनस वी एस, ठीक है। ये किसके लिए था, ऑब्जर्वर एक्स के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ ऑब्जर्वर वाई के लिए बात करें, ठीक है, तो वाई के लिए ये जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, कंप्रेस हो रही, यहाँ पर एक्सपांड हो रही, ठीक है। तो यहाँ जो इफेक्टिव वेवलेंथ होगी वो हो जाएगी लेमडा यहां तक की प्लस ये भाग और उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एट ये आप एक्स के लिए लिख लीजिए, फॉर एक्स, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एक्स, ठीक है। अब लेमडा एपरेंट वुड बी इक्वल्स टू एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है, ये किसके लिए, फॉर एक्स के लिए, ठीक है। अब वाई के लिए बात करें तो ये जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो फॉर्मूले में चेंजेस आएगा वो बस इतना सा आएगा, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी एफ इंटू वी बाय वी प्लस वी एस, ठीक है। अब इन तीनों केसेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें वो जब सोर्स भी मूव कर रहा है और जब ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, ठीक है, सारे मूविंग कंडीशन के लिए हम इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का डिराइव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम ये तीनों केस को कंबाइन करके हम रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है, जो कि साउंड और ऑब्जर्वर जब दोनों मोशन या दोनों मूविंग होगी तब हम उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन है जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, तो उसे सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। यहाँ पर सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मोशन में, ठीक है, तो जो उसे जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड उसे सुनाई देगा उसका रिलेशन इस हिसाब से होगा, ठीक है। प्लस साइन कब आएगा, जब जो ऑब्जर्वर है वो साउंड सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। माइनस साइन कब आएगा, जब जो ऑब्जर्वर है वो साउंड सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। थर्ड, जहां पर सोर्स मूविंग है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसे जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो उस हिसाब से चेंज होती हुई नजर आएगी, ठीक है। जब जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ साउंड सोर्स जा रहा है तब यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और जब जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ, सॉरी, जब जो ऑब्जर्वर है वो साउंड सोर्स उससे दूर जाता हुआ दिखेगा तब उसे प्लस साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस हिसाब से उसको उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी नजर आएगी, ठीक है। और इन दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आ गया,
ठीक है, इसमें ये सभी केसेस इंक्लूडेड है। अब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप प्रॉपरली ये साइन कब कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो आपको साइन कन्वेंशन के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए, अब इनमें से कोई सी भी एक सिचुएशन आपको पता होगी तो आप सभी सिचुएशन के लिए उसका जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सोर्स और ऑब्जर्वर और जो साउंड साउंड की साउंड जिस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, उन सबका डायरेक्शन क्या है सेम, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वी नॉट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वी एस है वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स, ठीक है। ठीक है, तो उससे हम जो इसका अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का जो डेरिवेशन होगा वो इस हिसाब से होगा, ठीक है। एफ अपेरेंट इक्वल्स टू एफ इंटू वी माइनस वी वी जीरो अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसी डायरेक्शन में साउंड वेव्स भी आगे बढ़ रही है और जो ऑब्जर्वर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। थर्ड केस हम देखें तो यहाँ पर साउंड सोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था तो इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साउंड सोर्स और जो ऑब्जर्वर है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन के अपोजिट में दोनों, ठीक है। तो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ इंटू वी प्लस वी जीरो अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है। इन चारों केसेस में एक बात जो कॉमन है वो आप देखें कि जो साउंड जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपके लिए है ताकि आप डॉपलर इफेक्ट से फ्रीक्वेंसी निकाल पाए, ठीक है। I hope that this video will be helpful for you all, and if you are new on my channel, don't forget to subscribe it. Thank you so much.